नमस्कार दोस्तों, हम लोग NBS TGT साइंस 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक कुल 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी वेन थ्रो वर्टिकली अप एंड फॉलिंग बैक टू पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन। तो ये कह रहा है, मान लो कोई बॉडी है, ये इनिशियली इनिशियली ये किस पे है, रेस्ट पे। इनिशियली रेस्ट पे है, इसको फेंका गया ऊपर की तरफ। उसके बाद ये वहाँ से जब ऊपर पहुँच जाती है, तो उसके बाद ये दोबारा यहाँ से फॉल करके जहाँ से फेंकी गई थी उसी जगह पे वापस आ जाती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल कवर्ड डिस्टेंस, क्योंकि ये बॉल जहाँ से फेंकी गई वहीं वापस आके गिर गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। जानते हैं एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि बॉडी अभी हमने बताया इनिशियली रेस्ट में थी, इसके बाद इसको फेंक का गया वर्टिकली अपवर्ड, फिर बाद में वो आके फॉलिंग बैक टू द जहां से फेंकी गई वहीं आके गिर जाती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट में है। तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो भी ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। तो हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये पैराबोला को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन देखिए, चूंकि अभी हमने बताया बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो होता है। चूंकि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, लेकिन इसका ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जा रहा है। अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी जहां से फेंकी गई वहीं वापस आ जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है, बॉडी यहाँ से फेंकी गई और यहाँ आके गिर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट तो इसका कम हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका डिक्रीज हो गया, जीरो हो गया। डिक्रीज होते होते इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन ये बॉडी यहाँ से फेंकी गई है, तो यहाँ से जब फेंकी गई है, क्योंकि अभी हमने बताया बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी और टी बराबर जीरो था, तो बॉडी यहाँ से नहीं फेंकी जानी चाहिए थी। बॉडी अगर यहाँ से फेंकी गई होती तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम अपने चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है बॉडी यहाँ इनिशियली रेस्ट पे है और टाइम उसका जीरो है। इनिशियली रेस्ट पे है, फिर ये फेंकी गई, ये यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। जब बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी उसको फेंका गया, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और उसके बाद देख रहे होंगे आप ये यहाँ पे आके इसका डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। तो क्वेश्चन भी वही कह रहा है, बॉडी रेस्ट में थी फिर फेंकी गई, फिर वापस उसी जगह पे आके गिर रही है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इसका पहले इनिशियली रेस्ट पे थी, टाइम जीरो था, इनिशियल से फेंकी गई, डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम हुआ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जा रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ रहा है वन रेडियन का मतलब कितना होता है डिग्री में। चूंकि हम जानते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और एक रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री अपॉन पाई।
आप सभी लोग जानते होंगे कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.29 डिग्री। तो इसका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि वाटर जो है वो ड्रॉप कर रहा है रेगुलर इंटरवल से। कोई पानी की एक टोटी है वो जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर है, उससे लगातार वाटर गिर रहा है। ये बोल रहा है थर्ड ड्रॉप जो टैप से वो निकल रही है उस टाइम पे जब पहली वाली ड्रॉप जो है जमीन को टच कर ले रही है। तो ये पूछ रहा है हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप जो है वो जमीन से कितने ऊपर होगी। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लो टैप है, इससे पानी की तीसरी बूंद थर्ड ड्रॉप गिर रही है और ये हमारा ग्राउंड जमीन हो गया। टैप से ग्राउंड की जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ऊंचाई मान लो वो एक तरीके से 20 मीटर दिया हुआ है, और ये बोल रहा है थर्ड ड्रॉप तब निकलती है जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर ले रहा है। तो इसका मतलब है थर्ड ड्रॉप यहाँ से निकल रही है, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप कहाँ होगी? इसके कहीं बीच में होगी ये सेकेंड ड्रॉप। अब हमको इतना पता चल गया, हमको डिस्टेंस पता है। अगर हम इसमें टाइम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगा, फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम लगा, टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चूंकि इनिशियली ये थर्ड ड्रॉप ये रेस्ट पर है और ये वाली मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप है, जब ये लीव करता है टैप पे तो पहले ये रेस्ट में ही होता है फर्स्ट ड्रॉप। तो अब हम यहाँ इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि फर्स्ट ड्रॉप इनिशियली रेस्ट पर है तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ। एक्सिलरेशन की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, 10 इंटू टी स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फर्स्ट ड्रॉप कितनी कवर कर रही है 20 मीटर, तो ये टी हो जाएगा 2 सेकेंड। तो फर्स्ट ड्रॉप को जमीन तक पहुंचने में लगा टाइम कितना है, फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड। अब ये फर्स्ट ड्रॉप है, इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है जमीन में पहुंचने में, 2 सेकेंड। चूंकि ये थर्ड ड्रॉप है तो इसके बीच में टाइम कितना होगा थर्ड और सेकेंड, 1 सेकेंड का, और सेकंड और फर्स्ट के बीच में कितना टाइम लग रहा होगा, इसके भी बीच में 1 सेकंड का, क्योंकि ये सेकंड ड्रॉप इसके बीच में है। अब हमको ये पता चल जाए कि सेकंड ड्रॉप कितने 1 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगी, तो हमें डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सेकंड ड्रॉप 1 सेकंड में कितना नीचे आएगी, कितना नीचे आएगी। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड ड्रॉप भी दोस्तों इनिशियली रेस्ट पे रही होगी टैप छोड़ने से पहले, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सिलरेशन की वैल्यू 10 दी हुई है, ये है 1 सेकेंड में, तो हो जाएगा कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 मीटर। चूंकि अभी हमने बताया कि सेकेंड ड्रॉप 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस टैप से कवर कर रही है, 5 सेकेंड, 5 मीटर का, 5 सेकेंड नहीं सॉरी है 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है सेकेंड ड्रॉप 1 सेकेंड में। चूंकि ये हाइट हमको टैप से नहीं पूछा है, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप कहाँ से पूछा है, ग्राउंड से। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप ये ग्राउंड से पूछा है, ये हो जाएगा हमको टोटल डिस्टेंस कितना पता है, टोटल 20 है। ऊपर वाली डिस्टेंस चूंकि सेकेंड ड्रॉप मिडिल में है, ऊपर से हमको डिस्टेंस पता है यहाँ पे 5 मीटर, तो हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हम 20 में से
सेकेंड ड्रॉप 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये 15 मीटर, सेकेंड ड्रॉप की हाइट ग्राउंड से कितनी होगी 15 मीटर, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 15 मीटर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है 3 पॉइंट ABC एक वर्टिकल लाइन में है जिसमें AB = BC दे रखा है और बॉल जो होता है वो ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट ए से, फॉल कर रहा है फ्रीली, तो ये पूछ रहा है सो एज पासेस थ्रू द बी एंड सी, तो ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ टाइम डिसेंडेंट थ्रू द ए बी एंड बी सी कितना होगा। ये पूछ रहा है टाइम डिसेंडेंट ए बी और बी सी के थ्रू कितना होगा। ये बोल क्या रहा है, तीन ड्रॉप, तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, ये तीनों वर्टिकल में हैं और हमको डिस्टेंस दे रखा है ए बी, हमको दे रखा है ए बी बराबर है बी सी के, तो हम मान लेते हैं ए बी इसके बीच की दूरी एक्स और इसके बीच की दूरी एक्स, चूंकि हमको दिया ही हुआ है पहले से ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमसे बोल रहा है कि बॉल ड्रॉप करता है टॉप मोस्ट पॉइंट ए से, मान लो ये बॉल है, ये नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, पूछ रहा है जब ये बॉल फ्रीली नीचे गिर रही है अगर ये पास होगी, ऐसे अगर नीचे गिर रही तो ये जरूर पास होगी बी से भी और सी को भी क्रॉस करके ही नीचे जाएगी, तो इसका मतलब है अगर हमको टाइम मिल जाए, टाइम मिल जाए हमको कि इस बॉल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, फिर जब बी तक पहुंचा बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और यही हमसे पूछ भी रहा है, यही हमसे पूछ भी रहा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल बनाएंगे। टाइम जो होगा ए बी और टाइम बी सी, ये हमसे पूछ रहा है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, टाइम ए बी हमसे बी सी पूछ रहा है, ए बी और बी सी, अगर हम ऐसा करें कि हमको ए बी और बी सी की डिस्टेंस पता है, अगर हम ये पूरा कवर कर लें, इसमें पूरे में कितना टाइम लग रहा है, पूरे में टाइम, उसके बाद ए बी का टाइम, इसको हम घटा देंगे तो हमें बी सी का टाइम मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम ए से सी तक कितना टाइम लग रहा है, इसको हम घटा देंगे टाइम ए बी वाले में से, तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। अगर हम इसको टोटल टाइम में से ए बी का टाइम घटा देंगे तब भी वही बात हुई, हमें टाइम बी सी का मिल जाएगा। चूंकि हम ये इक्वेशन जानते हैं, यस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब बॉल नीचे फ्रीली फॉल कर रही है इनिशियली वो रेस्ट पे होगी, और ये ए से बी के बीच में इसको कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये अभी हमने बताया ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो मतलब ए से बीच बी के बीच में दूरी एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ जी टी ये है ए से बी के बीच में क्योंकि हमने वही डिस्टेंस ले रखी है, तो टी ए बी कितना हो जाएगा, टी ए बी हो जाएगा अंडर रूट टू एक्स बाई जी। अब हमको टी ए बी पता चल गया, अब हम ये पूरा डिस्टेंस जो है पूरे डिस्टेंस में हमें टी ए सी निकाल लेते हैं ए से सी तक, फिर हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, पूरी डिस्टेंस ए से सी तक कितनी हो जाएगी, 2x x प्लस x जोड़ेंगे तो 2x इनिशियल वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ जी टी, हम पूरे में निकाल रहे हैं तो टी ए सी, तो टी ए सी कितना हो जाएगा, टी ए सी जो हो जाएगा अंडर रूट 4x बाई जी। अब हम इसको इसमें रखेंगे, टी ए बी अपॉन टी बी सी इज इक्वल टू, टी ए बी की वैल्यू हमको पता है 2x बाई जी और इसकी वैल्यू हमें पता है 4x बाई जी माइनस 2x बाई जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये बोल रहा एक टाइनी ऑब्जेक्ट है, वो एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और जो ये फोर्स है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूछ रहा है मोशन ऑफ, बोल रहा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोल रहा है एक प्लेन में हो रहा है, तो ये पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। चूंकि ये हमसे बोल रहा है ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका जो फोर्स है और वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चूंकि ये मोशन एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है, मान लो ये एक्स ये वाई प्लेन में हो रहा है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी के है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। अगर कोई मोशन एक्स वाई प्लेन में होता है तो उसे हम टू डी मोशन कहते हैं, टू डी मोशन कहते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये क्या होता है, ये होता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो ये पार्टिकल पहले यहाँ था, अगर यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मान लो ये पार्टिकल अगर यहाँ पे आए तो वेलोसिटी ये हो जाएगी, इसका फोर्स इधर आ जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप सभी देख रहे होंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ऐसे थी, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। ये बोल रहा है एक्सीलरेशन इज कॉन्स्टेंट, आप सभी जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। चूंकि फोर्स की डायरेक्शन जो है इसमें फोर्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है वो जिधर अभी हमने बताया फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, फोर्स की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ये टूवर्ड सेंटर होगी, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। और ये बोल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हम इस पे आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बी स्क्वायर। चूंकि अभी हमने बताया वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, बस इसका क्या कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ये बोल रहा है ये मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में, तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, क्योंकि जहाँ वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वो एक सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म, तो ये मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है मैच द इंटर इन कॉलम फर्स्ट विद एप्रोप्रिएट वन कॉलम सेकंड, ये यूनिट पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, बट इसमें कोई ऐसा ऑप्शन न्यूटन दे नहीं रखा है, तो अब हम इसकी दूसरी यूनिट खोजते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, वर्क की यूनिट होती है जूल, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो किस में है जूल मीटर, जूल मीटर है इसमें। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हो गया तो ये हो जाएगा एफ डी टी, ये इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन सेकंड के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, आप सभी जानते हैं। पावर, पावर होता है डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू क्या होता है कार्य, ये जूल हो गया, जूल पर सेकंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड।
और पोटेंशियल एनर्जी, हमने इसके पहले भी लेक्चर में बताया था, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो होती है वो जूल में होती है, जूल में होती है, ये ऑप्शन यहाँ पे जूल होना चाहिए, ये जूल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है एक फोर्स है 20 न्यूटन का, वो एक्ट करता है बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड देन बॉडी ऑफ मास 2.5 kg। ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और ये फोर्स एक्ट करता है उन पे 2 सेकंड के लिए। तो ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ दियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मान लो ये बॉडी है, ये 2 kg की है और ये कितने की है, 2.5 kg की। ये बोल रहा है दोनों बॉडी इनिशियली कैसी हैं, इनिशियली दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, दोनों पे फोर्स कितने सेकंड का लग रहा है, 2 सेकंड का। अब हम इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है dp/dt। चूंकि हमसे पूछ रहा है रेशियो का मोमेंटम, तो रेशियो का जो मोमेंटम होगा, मान लो ये मास m1 है, ये m2 है, तो रेशियो का जो मोमेंटम होगा p1 इज इक्वल टू हो जाएगा fdt। अभी हमने बताया कि दोनों पे जो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो फोर्स तो सेम है, 20 टाइम भी सेम है, तो मोमेंटम हो जाएगा 40 इसका और इसका, डेल्टा p2 इज इक्वल टू fdt। दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स दोनों पे 20 न्यूटन लग रहा है, टाइम भी दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा 40। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा p2, ये हो जाएगा 40/40, मतलब 1:1। तो इसमें से या तो ये सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, चूंकि आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इसको मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m, चूंकि अभी हमने देखा मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे केवल डिपेंड कर रही है, इसके मास पे। तो काइनेटिक एनर्जी जो 1 का हो जाएगा और 2 का, इसी का हमको रेशियो निकालना है, मास के इनवर्स है काइनेटिक एनर्जी 1। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो मास फर्स्ट का कितना है 2 kg और सेकंड का मास कितना है, सेकंड का मास है 2.5 kg। इसको हम और आसान भाषा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25/25/20, क्योंकि हम इसमें 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ये दशमलव हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 25/20, तो ये हो जाएगा 5/4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक कार है और एक मिनी बस है, इसका मास कितना है, कार का m है, मिनी बस का 5m है। ये बोल रहा है व्हेन दे आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, बोल रहा है इन दोनों का मोमेंटम इक्वल है, जब इस पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों पे प्रोड्यूस होता है इक्वल अमाउंट का नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा कार और मिनी बस के द्वारा रेस्ट में आने से पहले। मान लो ये कार है, इसका मास m दे रखा है, 5m मास किसका है, मिनी बस का है, ये मिनी बस का है, और दोनों का मोमेंटम क्या है, अभी हमने बताया इक्वल दे रखा है, दोनों इक्वल एक्सीलरेशन से, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब डी एक्सीलरेट होती हैं जब इस पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और फाइनली ये किस पे आ रही है, रेस्ट पे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की 0 है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये फाइनल में रेस्ट पे आ जा रही है। ये हमसे पूछ रहा है रेस्ट में आने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, तो b² = u² + 2as हम जानते हैं। फाइनली ये रेस्ट में आ रही है u², चूंकि हमको दे रहा है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो ये हम माइनस से रखेंगे तो ये हो जाएगा -2as, तो u² = हो जाएगा 2as। चूंकि हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू mv, mv
तो ये हम अगर यू को रिप्लेस कर दें पी बाई एम से, पी बाई एम से इसको हम रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 2s। अभी हमने बताया मोमेंटम, अभी हमने बताया मोमेंटम और एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो ये एक्सीलरेशन है, ये मोमेंटम, ये तो सेम हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है वो जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/m² तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिनी बस। मास के इनवर्स है, कार का मास कितना है, कार का मास है m, और मिनी बस का है, मिनी बस का मास है 5m इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25m/m, तो मतलब हो जाएगा 25/1। तो इसका ये कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, 25:1। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक हैं, मास 10 kg, 4 kg, 3 ब्लॉक हैं, मास 10 kg, दूसरे का मास, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया दोस्तों, दूसरे का मास है 6 kg और तीसरे का मास है 4 kg, ये लाई कर रही है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस में। ये बोल रहा है ये जो मास है ये लाइट स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्ट है। तो ये पूछ रहा है स्ट्रिंग जो है कनेक्टेड है 4 kg मास से, ये पुल कर रहा है तीनों ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली, और इस पे जो एक्सीलरेशन है सिस्टम का 0.5 m/s². तो ये हमसे पूछ रहा है टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगी 4 और 6 ब्लॉक के बीच में। मान लो ये 3 ब्लॉक हैं, ये 10 kg का, दूसरा ब्लॉक कितने का है, दूसरा ब्लॉक 6 kg का, और तीसरा ब्लॉक जो है दोस्तों वो 4 kg का है। इसको F फोर्स ये इसको पुल कर रहा है, पुल कर रहा है। ये मान लो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये तीनों रखी हुई हैं, और इन तीनों के बीच में कितना एक्सीलरेशन लग रहा है, अभी बताया एक्सीलरेशन 0.5 m/s². तो हमको एक्सीलरेशन पता है, तीनों का मास पता है, तो हम पहले अगर फोर्स पता कर लें कि ये इसको तीनों को कितने फोर्स से पुल कर रहा है। चूंकि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, अब हम तीनों के मास को सम करेंगे इंटू 4, एक्सीलरेशन है 0.5, तो ये हो जाएगा 10 N, मतलब ये 10 N के फोर्स से ये तीनों को पुल कर रहा है। हमसे पूछा गया है इसके इसके बीच में टेंशन कितनी होगी। अगर हमको इसके इसके बीच में फोर्स पता चल जाए, इसके इसके बीच में फोर्स पता चल जाए, फोर्स पता चल जाए, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा यही इस पे ये टेंशन अप्लाई करेगा, उतनी ही टेंशन दोनों के बीच में। तो T इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 10 + 6 × 0.5, तो ये हो जाएगा 16 × 0.5 = 8 N। तो ये दोनों के बीच में जितना फोर्स होगा वही इन दोनों के बीच में टेंशन अप्लाई होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो टेंशन होगा वो 8 N का, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ओल्ड मैन है वो 1000 J वर्क कर रहा है 50 सेकंड में, और एक यंग मैन है वो 2000 J वर्क कर रहा है 80 सेकंड में। तो ये पूछ रहा है पावर जो डिलीवर्ड होगा ओल्ड मैन और यंग बॉय के द्वारा कितना होगा। पावर पूछ रहा है ओल्ड मैन, पावर का रेशियो ओल्ड मैन और पावर का रेशियो यंग बॉय के द्वारा ये कितना होगा। चूंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू W/T, अब हम इसको पुट करेंगे, पावर जो ओल्ड मैन का होगा, ओल्ड मैन 1000 J वर्क कर रहा है कितने सेकंड में, 50 सेकंड में, और जो ये यंग बॉय है ये 2000 J वर्क कर रहा है कितने सेकंड में, ये 80 सेकंड में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा, मतलब जो रेशियो होगा पावर का ओल्ड मैन और यंग बॉय के द्वारा वो कितना होगा, 4/5। तो इसका ये 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने NBS 2016 के पेपर से 10 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।